हाय एवरीवन, दिस इज़ कन्हैया पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझने वाले हैं क्राउन इथर्स कॉम्प्लेक्स एंड क्रैप्टन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। तो क्राउन इथर्स कॉम्प्लेक्स जो है क्या होता है, आइए समझते हैं। क्राउन इथर्स जो होते हैं एक मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर होते हैं। बहुत सारे केस में जो मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर होते हैं वे आर द साइक्लिक ईथर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, जैसे OCH2CH2N। सम एग्जाम्पल ऑफ क्राउन ईथर्स आर फॉलोइंग। एग्जाम्पल के द्वारा आप बहुत अच्छे से क्राउन ईथर्स को समझ सकते हैं। एक्चुअली बेसिकली क्या कहा गया है कि क्राउन ईथर्स क्या होते हैं, एक मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर्स होते हैं। और जो मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर होते हैं बहुत सारे केस में जो होते हैं साइक्लिक ईथर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल वो CH2CH2 के रूप में कार्य करते हैं। जैसे क्राउन ईथर्स क्या जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल ये देख सकते हैं, ये 12 क्राउन 4 इसका नाम है। ये क्राउन ईथर्स का एक एग्जांपल है। यहां पे क्या होता है, जो ये ब्रैकेट में जो नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग, ये इस रिंग में जो है जितने भी एटम्स हैं उसको इंडिकेट करता है, क्राउन लिखेंगे। उसके बाद जो है ये 4 जो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द रिंग को प्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे टोटल 12 कैसे इंडिकेट है, जैसे यहाँ पे 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे कि टोटल एटम हो गया 12, तो 12 क्राउन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। उसी तरह 15 क्राउन 5 18 क्राउन 6, और ये जो है 18 क्राउन 6 को जो है, जैसे कि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और साथ ही 18 एटम्स टोटल मिला के इस रिंग में है। यहाँ पे 2 बेंजीन ग्रुप जुड़े हुए हैं क्राउन ईथर्स के साथ, इसलिए इसको डाइबेंजो 18 क्राउन 6 भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि डाइबेंजो 18 6 का ये जो स्ट्रक्चर मेन आता है, जैसे MSc अगर आप कर रहे हैं केमिस्ट्री में तो इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, या इसके बारे में प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये वही बताया गया है कि द नंबर ऑफ द ब्रैकेट इंडिकेट द टोटल एटम्स इन द रिंग एंड द नंबर ऑफ द फॉलोइंग हाइपन इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। द टर्म क्राउन वॉज सजेस्टेड बाय द 3 डायमेंशन शेप। हाँ, ये जो क्राउन, इसको क्राउन एथर्स ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो 3 डायमेंशन शेप होता है इसका, जो है 3D शेप होता है, एंड द मॉलिक्यूल जो है क्राउन लाइक शेप होता है, इसलिए इस मॉलिक्यूल जो है क्राउन एथर्स कहा जाता है। मतलब मोस्ट वही है कि 3 डायमेंशन शेप होता है अब दिस मॉलिक्यूल, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल हैव द क्राउन लाइक शेप, इसलिए क्राउन ईथर्स कहा जाता है। तो वही क्राउन ईथर बेसिकली होता क्या है, क्राउन ईथर्स का स्ट्रक्चर ये होता है, ये जो है एक मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर्स होते हैं, जो कि क्राउन ईथर्स को इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर में बताते हैं। अब क्राउन ईथर्स में जो है कई सारे टॉपिक इससे जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आपको हेटरो एटम्स के बारे में पूछ दिया गया है। मान लो क्राउन ईथर्स का, अगर नॉर्मली क्राउन ईथर्स के बारे में पूछता है तो ये जो है इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी में कई प्रकार की चीज़ें जुड़ी होती हैं क्राउन ईथर्स में, जैसे हेटरो एटम्स, जैसे यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के जगह जो है यहाँ पे सल्फर जुड़ा हुआ है, मतलब ये हेटरो एटम्स कहलाते हैं। जैसे हेटरो एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कई प्रकार के जुड़ सकते हैं ऑक्सीजन की जगह में। जैसे कि द टर्म क्राउन ईथर्स नाउ इंक्लूड मैक्रोसाइक्लिक कंटेनिंग नाइट्रोजन आर एस एटम एज वेल एस मैक्रोसाइक्लिक कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ हेटरो एटम ONNS। सम एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी, हेटरो एटम्स जो है अलग टाइप से अगर हेटरो एटम्स जुड़े हुए हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। मतलब क्राउन ईथर्स में जो होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कई प्रकार के हेटरो एटम्स जुड़ सकते हैं ऑक्सीजन की जगह में। इसमें जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने जितने हैं, और साथ ही साथ जो है एस है ऑक्सीजन की जगह सल्फर जुड़ी हुई है, ये होते हैं। उसके बाद देखिए अब एक और आता है क्राउन ईथर्स कॉम्प्लेक्स, भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्राउन ईथर्स, हाँ, तो जो क्राउन ईथर्स होता है उनके पास, द क्राउन ईथर्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विथ पॉजिटिव आयन मेलालिक आयन और अमोनियम आयन। द बॉन्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स रिजल्ट फ्रॉम आयन डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन द हेटरो एटम्स एंड द पॉजिटिव आयन्स। इन मोस्ट केसेस द आयन्स आर held tightly in the center of the cavity of the crown ethers. Each crown ethers held different of the distinct and depending on the size and its cavity. For example, crown ethers lithium plus, sodium plus, potassium plus and rubidium plus. Since the oxygen of the crown ethers carries unshared pair of electron, this unshared pair of electron can solvate cation. Let us examine the structure of 18 क्राउन 6। ये जो है अगर अगर आपको अलग से पूछ दिया जाता है कि क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ये थ्योरी है। एक्चुअली एग्जांपल्स से आपको बहुत ही ज़्यादा इसको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आएगा। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है कि जो क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स है, जैसे ऑक्सीजन 18 क्राउन 6 का ये एग्जाम्पल लेके हम क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स को समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली कहा गया है कि जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं
जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, जैसे कि ये सोडियम हो गया इसकी जगह आप, ये जो पोटेशियम हो गया इसकी जगह आप सोडियम, लिथियम, रुबिडियम भी ले सकते हैं। तो जो है क्राउन इथर्स के पास जो है एक प्रॉपर्टी होता है कि वे क्राउन इथर्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे कि ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है एक ऑक्सीजन जो है एक एटम्स है, और साथ ही अगर पॉजिटिव आयन्स है, ये एक हेट्रो एटम्स है और ये एक पॉजिटिव आयन्स है, तो दोनों के बीच जो है तो दोनों के बीच जो है एक अट्रैक्शन होता है, हेट्रो एटम्स और पॉजिटिव आयन्स के बीच एक अट्रैक्शन होता है जिसके द्वारा जो है क्राउन इथर्स कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो है बेसिकली ये जो थ्योरी है वही कहता है कि जो जो क्राउन इथर्स कॉम्प्लेक्स होता है वो हेट्रो एटम्स और पॉजिटिव आयन्स के बीच जो है अट्रैक्शन के द्वारा बनता है, यही होता है क्राउन इथर्स कॉम्प्लेक्स। अब क्राउन इथर्स कॉम्प्लेक्स में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्रिप्टेंट, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिप्टेंट आता है। क्रिप्टेंट को पढ़ने से पहले ये देख सकते हैं कि क्राउन इथर्स का एक्चुअली यूज़ क्या है। जो ऑल द क्राउन इथर्स आर जो होते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू कॉम्प्लेक्सेशन, एमाइंस, फिनॉल्स एंड अदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैव ऑल्सो बीन कॉम्प्लेक्स। क्राउन इथर्स हैज ऑल्सो बीन यूज एज अ कैटेलाइज फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटिल फास्फेट एंड सिंथेसिस ऑफ पायरोफास्फेट। तो जो होते हैं क्राउन इथर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही फ्रिक्वेंटली रूप से यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्सेशन में, जैसे कॉम्प्लेक्स बनाने में ही इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब क्रिप्टेंस एक अलग से क्वेश्चन, क्राउन इथर से ही ये जो है रिलेटेड है, लेकिन क्रिप्टेंस एक अलग से क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। तो एक्चुअली क्रिप्टेंस क्या होते हैं, बायसाइक्लिक क्राउन इथर्स 8 एंड क्राउन इथर्स ऑफ साइकल्स ऑफ हायर ऑर्डर आर कॉल्ड क्रिप्टेंस कहलाता है, और इनका जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो उसको जो है क्रिप्टेट्स कहते हैं। बायसाइक्लिक क्राउन इथर्स 8 कैन सराउंड द इनक्लोज, ये जो बायसाइक्लिक क्राउन इथर्स 8 होते हैं ये जो है कैन सराउंड द इनक्लोज आयन इन द 3 डायमेंशन बेंडिंग इट इवन मोर। हाँ, जो क्रिप्टेंट होते हैं वो जो है मोर टाइटली, जो इनके जो बीच में जो ये जो है बीच में जो इनका क्राउन इथर्स जो है, जो क्राउन इथर्स 8 होते हैं वो जो है एक्चुअली आयन्स के द्वारा घिरे हुए होते हैं, आयन के द्वारा घिरे होते हैं, और ये जो है ये 3 डायमेंशन के रूप में होते हैं। और साथ ही जब क्राउन इथर्स में जो मोनोसाइक्लिक क्राउन इथर्स जो हमारा बनता है उसके द्वारा ज़्यादा ही इवन मोर टाइटली देन द ये टाइटली रूप से बंधे हुए होते हैं। ये जो है क्रिप्टेंट का स्ट्रक्चर होता है, ये जो है क्रिप्टेंट का स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार आप क्रिप्टेंट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस प्रकार ये कॉम्प्लेक्स जो होता है, इस प्रकार जो क्राउन इथर्स जो होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी के लिए, जिसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे क्राउन इथर्स क्या है उसकी परिभाषा दीजिए, एक डायग्राम बना सकते हैं क्राउन इथर्स का, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्राउन इथर्स का जैसे 12 क्राउन इथर 4, 15 क्राउन 5, ये सब एग्जांपल दे सकते हैं। अब अलग से क्वेश्चन हेट्रो एटम्स में, जैसे अलग एग्जाम्पल हेट्रो एटम्स, जैसे कि सल्फर का स्ट्रक्चर पूछ दिया तो ये बना सकते हैं। क्राउन इथर्स कॉम्प्लेक्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्राउन इथर्स क्रिप्टेंट भी जो है इसी में रिलेटेड है। तो ऑल ओवर जो क्राउन इथर्स टॉपिक है ये सभी कवर, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में कवर हो गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुई हो, अगर हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।